Good evening, everybody. I'm Neeraj Kumar Chaudhary, as you know. Here, as my friend explained, almost everything. तो मेरे लिए कुछ बहुत ज़्यादा बचता नहीं है. सारी strategies बता दी, fee structure, जितनी भी चीज़ें हैं. तो कुछ एक दो points ही मेरे लिए बच पाते हैं. मैं आपको कुछ ऐसे points explain करूँगा, जो मतलब मैंने students से ही पूछ के कुछ मतलब फाइंड आउट किए हैं. जैसे आप तो 11 टू 12 मूविंग हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 11 टू 12 मूविंग होते हैं, आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी हो रही है. तो उनके बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हुए हैं. मैंने प्लान किया था कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा. तो उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. ठीक, तो साइड चेंज. अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे वाला कौन सा वाला? ये वाला, ये? हाँ जी सर, ये वाला. हाँ, एक बार ठीक है, ओके. खैर, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी बातें बतानी है जो आपको जब आप 11th से 12th में जाओगे, तो 12th में जाते टाइम आपको ध्यान रखनी है. 11th की वजह से कुछ चीजें, स्ट्रेटेजीज बिगड़ जाती हैं. ठीक, खैर, एक्चुअली 12th में जाते ही आपको एक के बजाय आपके दो टारगेट हो जाते हैं. एक तो आपका बोर्ड हो जाता है, दूसरा जेईई की प्रिपरेशन हो जाती है. 11th में अब इतना बोर्ड का ज्यादा बर्डन रहता नहीं है कि बोर्ड में मार्क्स लाने हैं, तो जेईई पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग स्ट्रेटेजीज की वजह से बिगाड़ देते हैं. तो इन दोनों टारगेट में हमको बैलेंस बनाना होता है 12th में जाके, ताकि आपके मार्क्स भी अच्छे आए और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो. बैलेंस बनाने का मीनिंग क्या होता है? बैलेंस बनाने का मीनिंग ये होता है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड गेन करो यहाँ पे. यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब, कुछ लोग कहते हैं कि सर, जो 12th वाले लोग हैं लास्ट में जाके बोलते हैं सर बोर्ड इसलिए अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि पहले हम IIT करते रहे, IIT करते रहे. फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि सर IIT इसलिए नहीं अच्छा हो पाया क्योंकि लास्ट में जब रिवीजन का टाइम आया तब हमने बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू कर दी. तो एक्चुअल में क्या दोनों चीजें अलग अलग हैं? बताइए. दोनों चीजें बिल्कुल एक ही है, 90% कॉमन है. अलग अलग उनको बना देते हैं हम. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों को एकदम कोऑर्डिनेशन में लेके नहीं चलते. एक स्टूडेंट था जिसकी रैंक अप्रोक्सीमेटली 1000 में आई थी, ठीक है ना, IIT रुड़की चला गया था वो एक अच्छी ब्रांच लेके. वो क्या किया करता था, ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकंड उसमें बैठता था. तब मैं कभी बंसल में पढ़ाया करता था, एक सेकंड या थर्ड बेंच पे बैठता था. तो वो क्या किया करता था, उसके पास दो कॉपीज होती थी, एक के नीचे दूसरी होती थी. तो जो भी मैं पढ़ाता था पहले तो ऊपर वाली कॉपी में नोट करता था, फिर नीचे से कॉपी यूं खिसका के उसमें कुछ कुछ नोट करके फिर नीचे डाल दिया करता था. मैंने बाहर जाके पूछा कि ये क्या करता है तू? बोल रहा है सर मैं अभी का अभी यहीं पे बोर्ड के टॉपिक तैयार कर रहा हूं. जो आप पढ़ाते हो वो तो कर ही लिए मैंने, लेकिन इन्हीं चीज को मैं सेम हेडिंग को मैं बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं. उस बंदे के आप बिलीव नहीं करोगे 94 पॉइंट something % आए थे 12th में, और 1000s में रैंक थी उसकी. और उस बंदे से बात की जाए, अभी भी उसकी कॉल आती है, बोलो मुझे मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन की नहीं, लास्ट में जाके बहुत आराम से जेईई के लिए प्रिपेयर करता रहा. आप खुद देखो कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी थी उसकी, और ये काम उसने स्टार्टिंग से किया हुआ था. तो इसको बोलते हैं एकदम कोऑर्डिनेशन, राइट एटीट्यूड. ये आपको कल्टीवेट करना है. 12th और जेई दोनों एक ही हैं, आप इनको अलग मत होने देना. बस कहीं जाके लास्ट में बोर्ड के चक्कर में, IIT और IIT के चक्कर में बोर्ड गड़बड़ हो जाए. आने वाला है ना आपका नेक्स्ट ईयर, बस ध्यान रखना इस चीज का. ठीक, एक पॉइंट हो गया. दूसरी चीज के सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग से बहुत डरते हैं. ठीक है, कि सर नेगेटिव मार्किंग की वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, टिक ही नहीं करके आते. ठीक, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे, मैंने जो सिलेक्टेड स्टूडेंट उनसे पूछा था, मैंने कहा तुम लोग जब प्रिपरेशन करते थे तो क्या नेगेटिव मार्किंग से डरते थे? तो एक तो बोलता था हाँ सर डरते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह था कि सर नेगेटिव मार्किंग तो कुछ होती नहीं है. मैंने क्या बात कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती. फिर उन्होंने एक इक्वेशन लिख के भेजी मुझे, एक क्या सर? चार ऑप्शन होते हैं, चार में से एक सही होता है, तो प्रोबेबिलिटी तो सुना होगा, प्रोबेबिलिटी कुछ होती है। तो उन चार ऑप्शन को अगर बिना किसी नॉलेज के भी आप टिक करो, ठीक है, तो एक सही होने के चांसेस होते हैं चार में से, चार में से एक सही हो सकता है। अब मान लो आपने चार क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, चार में से एक सही हो गया, तीन गलत हो गए। वो देखो, जो सही होगा उसके 3 मार्क्स मिलेंगे और जो 3 गलत होंगे उसके -3 हो जाएंगे। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? 0। यानी कि नेगेटिव मार्किंग का तो कुछ इफेक्ट ही नहीं है ओवरऑल, सोचो। इसलिए नेगेटिव मार्किंग का डर तो होना ही नहीं चाहिए। आप तो अटेम्प्ट करो और टिक करो। नेगेटिव मार्किंग का डर जिसको है ना, समझ लो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। आपके सामने अरेंजमेंट, नेगेटिव मार्किंग एक्चुअल में कुछ होती नहीं है, दैट इज नथिंग। उसकी वजह से आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, टिक करना या नहीं करना, एंड इट्स ट्रू, ठीक है। इसके बाद हैबिट, आपको एक हैबिट कल्टीवेट करनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व नहीं करते, जो क्लास में इलस्ट्रेशन दी जाती है उन्हीं को करते हैं अच्छे से, और क्वेश्चन सॉल्व करने से डरते इसलिए कहीं आंसर गलत ना आ जाए। आंसर गलत आ गया तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हैबिट आपको कल्टीवेट करनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक। एंड क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट एनी हाउ, इसका मीनिंग क्या है, इसको ध्यान से सुनना। देखो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना और अच्छी प्रिपरेशन होना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, जरूरी नहीं है प्रिपरेशन अच्छी हो, और जिसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है, जरूरी है कॉन्सेप्ट अच्छे हो, दोनों अलग चीजें हैं। क्यों? कॉन्सेप्ट तो हो गया, आपको समझ आ गई चीजें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करके उसको बिल्डअप करते हो, ठीक है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी कुछ बिल्डअप हो सकता है। एनी हाउ मैंने इसलिए लिखा है कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे भी करके क्लियर करना है। आपकी ईगो जो है सब साइड में रखो, किसी से भी पूछो। मान लो क्लास में समझ नहीं आया, किसी दूसरे फ्रेंड को समझ आया, उससे पूछो, पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। आप कोई किसी से क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हो, यार मुझे क्वेश्चन समझा दे। आप कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो कि यार ये कैसे होता है, बस ये बता दे। उसको क्लियर करके रखो। एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी टाइम पे प्रैक्टिस करके उसको बिल्डअप कर सकते हो। अब ये जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला गेम है, इसमें क्या होता है, अगर आपको लेक्चर जिसमें आपने कुछ चीज पढ़ी है वो दोबारा सुनने का मौका मिल जाए ना, तो आपके कॉन्सेप्ट अल्टीमेट क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा हो सकता है केवल ऑनलाइन एजुकेशन में, ठीक है ना। मान लो आपने एक लेक्चर अटेंड किया, सेम लेक्चर अगर आपको किसी वजह से दोबारा देखने को मिल जाए, सोचो, तो जो कुछ भी छूट गया ना आपको वापस गेन हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए ऑनलाइन जो ऑनलाइन स्टडी है वो भी बहुत फायदेमंद होती है बहुत जगह पे, ठीक है ना। ईटूज का सिस्टम ऐसा ही है कि अपन एक लेक्चर को कई बार देखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो मैं इसके सपोर्ट में हूँ कि ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं स्टूडेंट्स लोगों के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग का मीनिंग ये है कि जैसे मैं बात करता रहता हूँ स्टूडेंट से कि यार तुम होमवर्क क्यों नहीं कर पाते हो, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जब एक क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर दूसरा नहीं हुआ, तो तीसरा करने का मन नहीं करता, फिर हम बुक को फेंकते हैं, या तो सो जाते हैं या बस नीचे गली में आ जाते हैं घूमने। कोटा में सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट तो घूमना ही है। एक बार निकल आओ आप, इतना एंटरटेनमेंट होता है कि आप 2-3 घंटे में रूम पे वापस जाते हो, फिर होता है कि नहीं होता है। और ये इधर वाला एरिया एलन साइड का तो ऐसा है, यहां तो आप बोर ना हो तो भी आ जाते हो। खैर, तो लास्ट पॉइंट में क्या है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ, 2 नहीं हुए, आप ट्राई करते रहिए। आप ट्राई करो, 3 नहीं हुए उसके बाद भी क्वेश्चन ट्राई करो, जब तक ट्राई करो जब तक आपका फिनिश नहीं हो जाता, चाहे सारे क्वेश्चन आपके डाउट आ जाए, पर ट्राई करो। ये हैबिट आपको कल्टीवेट करनी ही है, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट मैंने बहुत सीरियस वाले बताए हैं, वो इसीलिए बताए हैं ताकि स्टार्टिंग में कुछ सीरियस मैटर कवर कर लूँ, तो बाद में आपको कुछ एक्सटर्नल भी बता सकूं अदर देन स्टडी। ठीक है, चलो खैर एक चीज पे आते हैं। काफी टाइम गुजर चुका है 11th में, 6-7 मंथ्स पास हो चुके हैं। कितने लोगों को ऐसे लग रहा है कि उनकी 11th बिगड़ चुकी है? ऐसे लगता है जिनको जिनको लगता है कि उनकी 11th बिगड़ चुकी है। ओके, खैर पहले तो यही डिसाइड करना मुश्किल है कि बिगड़ी है कि नहीं बिगड़ी है ना। पर खैर जितने लोगों ने हाथ उठाया उनको लग रहा है उनकी 11th बिगड़ चुकी है। कितने लोगों को लग रहा है कि 11th बिगड़ जाएगी थोड़े दिनों में? हाँ, ऐसे भी है। कुछ को लग रहा है ना अभी होप है थोड़े से 2-4 महीने। एक्चुअली अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। 11th क्लास तो ऐसी होती है, मैं तो पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 2-3 साल बंसल में, 2-3 साल वाइब्रेंट में, अभी टूज में। ठीक है ना, तो हर साल का सेम गेम होता है। 11th क्लास आप चाहो तो within 2 month बिल्डअप की जा सकती है, बहुत आराम से, बहुत आराम से। ठीक है ना, और अभी तो आपके पास 4-5 महीने हैं। अगर आपका कुछ भी बेसिक ही वीक है तो भी अभी से आप 0 लेवल से स्टार्टिंग कर सकते हो। अभी से भी स्टार्टिंग करोगे ना 11th को तो दोबारा हो जाएगी। 11th के लिए ज्यादा से ज्यादा एट मैक्स 0 लेवल से हाई लेवल तक बिल्डअप करने के लिए 3 मंथ्स चाहिए होते हैं बस। ठीक, इसलिए मैंने कुछ ऐसा ही सोच के एक नियो कोर्स डेवलप किया है, नियो करके, ड्रीम टीम नियो करके। ठीक, इस कोर्स में क्या है कि 3 महीने का कोर्स है, 3 मंथ्स का। डेली क्लास होगी और बिल्कुल 0 लेवल से क्लास होगी। फुल 11th, फुल मैकेनिक्स, SHM सब कुछ होगा उसमें। तो यही सोच के ये बस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये लगता है कि उनकी 11th बिगड़ चुकी है और गड़बड़ हो चुकी है। कुछ भी नहीं होगा, 3 महीने में बहुत अच्छे से अपन आराम आराम से इस कोर्स में 11th करेंगे। खैर आई एम नॉट हियर टू प्रमोट दिस कोर्स, बट मेरा कहने का पर्पज ये था कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 11th बहुत अच्छे से हो सकती है। तो इस ईयर में आप अपनी 11th बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 12th करना आराम से। ठीक, ओके, वेकेशन एंड स्टडी, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है। अभी दिवाली की छुट्टी आने वाली है। ठीक है ना, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट 90% लोगों के रिजर्वेशन तो हो रखे होंगे। ठीक है ना, अगर मैं आपको बोल भी दूंगा ना कि मत जाओ दिवाली पे तो वैसे ना सही पर मन में तो गाली पक्का दोगे कि इतनी मुश्किलों से तो 1-2 दिन का टाइम मिल रहा है, उसको भी मना कर रहे हो। ठीक, खैर इसके लिए मैं आपको एक इवेंट बताता हूं एकदम ट्रू। जब मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ था तो IIT दिल्ली में काराकोरम हॉस्टल मिला था मुझे। रूम नंबर था A33, फर्स्ट फ्लोर का 33 नंबर का रूम मिला था मुझे। तो 34 में एक पंकज गुप्ता करके बंदा हुआ करता था, मोटा सा। ठीक, 500 के आसपास उसकी रैंक थी, इलेक्ट्रिकल मिली हुई थी उसको। 5 ईयर वाला ड्यूअल कोर्स लिया था उसने। 2 टाइप के कोर्स होते हैं ना आईटी में, एक तो 4 ईयर वाली बीटेक होती है, एक 5 ईयर का बीटेक प्लस एमटेक एक साथ होता है, वो कोर्स लिया हुआ था उसने। मेरी रैंक 800 में थी, उसकी 500 में थी। तो रैंकिंग के टाइम पे थोड़ी दोस्ती हो जाती है। तो मैंने एक दिन उसकी अलमीरा में से डायरी निकाल के पढ़ने की कोशिश की, वो नहीं था वहां पे। मैंने देखता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें, खूब सारे दोस्त थे। तो उसमें लिस्ट बनी हुई थी, लिस्ट में क्या था, खूब सारी मूवीज के नाम लिखे हुए थे, 2000 के टाइम की मूवीज, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, ऐसी ऐसी करके। ठीक, बहुत सारी मूवीज लिखी हुई थी। एक जगह लिखा हुआ था कि दशहरा मेला जाना है। कुछ समझ नहीं आ रहा था उस डायरी के पन्ने को पढ़ के, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1-2 लड़कियों के नाम भी लिखे हुए थे। मैंने कहा यार, मैंने कहा अब तो मैटर सेंसिटिव हो गया, अब तो उसी से पूछ। मैंने चुपचाप डायरी बंद की और रख दी। फिर जब वो आया क्लास से, मैंने कहा तेरी डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सी डायरी? ठीक है ना, तो पहले तो गुस्सा हो गया, तूने क्यों पढ़ी? मैंने कहा यार अब तो पढ़ ली, अब तो मेमोरी में से डिलीट नहीं हो सकती, क्या करूं? मैंने सोचा तेरी रफ बुक है। मैंने, हाँ तुझे रफ बुक लग रही थी, ये डायरी है। मैंने कहा नहीं यार, मैं ऐसी रफ को भी यूज करता हूँ, इसलिए पढ़ ली। तो मैंने पूछा अच्छा तो रीजन बताइए क्या क्या लिखा हुआ? कहीं मूवी का नाम लिखा है, कहीं तूने लिखा है दशहरा मेला, दिवाली पे चाचा जी के घर। नहीं, दिवाली पे चाचा जी के घर नहीं, ये क्या चीज, क्या है ये? तो उसने बताया मुझे कि देख यार ये क्या है, जब मैं प्रिपरेशन किया करता था JEE की, बहुत अच्छा स्टूडेंट था एक्चुअल में वो, तो बोलता था मैंने पूरे 2 साल कहीं टाइम खराब नहीं किया, कहीं भी। मैंने कहा सही है, तभी तो तू आईआईटी में मेरे साथ था। पर तूने ये क्या किया? देख, जब भी यार दोस्त लोग या घर की प्लान बनती थी कि चलो मूवी चलते हैं, तो मैं कभी नहीं जाता था। मैं उस मूवी का नाम अपनी डायरी में लिख लेता था कि मुझसे ये मूवी छूट गई है, मैं इसको नहीं देख पाया अपने दोस्तों के साथ। बाद में मैं इसकी सीडी खरीद के 5-6 बार देखूंगा एक साथ, पर पहले पढ़ूंगा। मैंने कहा सही है। अब फिर ये दशहरा मेला कि यार पूरी फैमिली गाड़ी में भर के दशहरा मेला देखने गई थी, पर मेरा कल अगले दिन टेस्ट था, तो मुझे मेरा मन बहुत था जाने का, पर मैं नहीं जा पाया। तो मैंने लिख लिया कि दशहरा मेला जाना है। मैंने जब बोला कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं खुद अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा दशहरा मेला। सही, चाचा जी के घर दिवाली पे तो समझ ही गए होंगे अब, वो दिवाली पे नहीं जा पाया होगा। होली का कुछ लिखा था, फिर लड़कियों के नाम, लड़कियों के नाम कह रहा यार ये क्लास की लड़की थी कि क्लास में सोचा करता था मैं, पर मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई कुछ समझता नहीं था, वैसे भी मैं थोड़ा सा था। तो मैंने कहा एक एक होना चाहिए था, 2-3 क्यों लिखे हुए हैं? कह रही यही थी, एक नहीं तो दूसरी सही, 2-3। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। ये लास्ट वाला पॉइंट उसको IITian प्रूव करता था कि वो पहले से ही IITian था, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, समझ जाओगे। खैर, तो अब मैं आपको मतलब डिमोटिवेट नहीं करूंगा घर जाने के लिए। अगर आपका ज्यादा ही मन है तो चले जाओ, पर अगर कुछ कर सकते हो तो आप एक बार डायरी में लिख के देखना कि दिवाली की छुट्टियों पे घर जाना था, शायद रुक जाओ। एक्चुअली वेकेशन जो होती है ना 7-8 दिन की, यही तो होती है जो आप में एक्स्ट्रा पोटेंशियल भरती है। आप इसमें अपने पेंडिंग टॉपिक पूरे कर सकते हो, कुछ जो बचे हुए हैं। ठीक, अब ज्यादा गालियां मत देना कि सर इतना बोल रहे हो हम रुक गए, तो कोई नहीं। पर बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन होना होता है वो एक्चुअल में इन वेकेशंस को यूज करते हैं, कुछ नहीं करते वो। आई एम 100% श्योर जिन लोगों का सिलेक्शन होना है उनके पास पक्का एक ना एक लिस्ट या तो नीचे कॉपी में लिखी होती है या उनके माइंड में होती है। जो जो चीज उन्होंने छोड़ी है ना वो नोटिस करके रखते हैं कि ये चीज मैंने छोड़ दी है, ये मैं बाद में पूरी करूंगा सिलेक्शन के बाद। एंड दैट वाज ट्रू। पंकज गुप्ता उसका एक एग्जाम्पल था। वो तो गलती से मैंने पढ़ ली उसकी डायरी, तो पता चल गया। फिर मुझे लगा कि काश मैं ये काम करता तो मेरी थोड़ी रैंक और अच्छी आ जाती, और उसकी अच्छी थी, कोई बात नहीं। ठीक, तो देखो वैकेशन को प्लान करने की किस तरीके से करोगे। ओके, कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टडी से अलग है, जिनकी वजह से स्टडी बहुत अफेक्ट हो जाती है, जैसे हेल्थ। ठीक है ना, यहाँ पे कोटा में क्या है, कोटा का एनवायरमेंट ही ऐसा है कि आप यहाँ पे रह के अपनी हेल्थ को तो अच्छा कर ही नहीं सकते। जितनी हेल्थ आप घर से लेके आते हो यहाँ इन्वेस्ट कर देते हो, यहाँ से आपको कुछ गेन नहीं होता। थोड़ी थोड़ी मतलब बॉडी को चालू रखने के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज किया करो। मैं जब अपने टाइम में था तो सुबह योगा किया करता था, 4-5 आसन किया करता था, बस ज्यादा नहीं। उससे माइंड कूल रहता है। कितने लोग योगा करते हैं? गुड गुड गुड, थोड़ी और आदत डालो। एक्चुअल में इट हेल्प्स, इसका इफेक्ट दिखता है थोड़े दिन बाद, क्योंकि अगर बॉडी एक्टिव है तो आपका पढ़ने का मन करेगा, बहुत ज्यादा मैटर करता है। खैर, मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए, वो आपको बताना मेरी ड्यूटी है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक, हेल्थ के बाद फूड। कोटा का खाना तो है ही अजीब, आप जानते हो। जब तक आपके मम्मी पापा रहते हैं तब तक सही मिलता है, ठीक है ना। जैसे ही आपके मम्मी पापा गए या 10-15 दिन हो गए आपको हॉस्टल में, खाना अपनी औकात पे आ जाता है ना। खैर, कोई नहीं, याद रखिए अगर आप शाम के टाइम कुछ ऐसा खाते हो जिससे आपके पेट में जलन होती है या ऐसा कुछ होता है ना, उससे पढ़ने का तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा। इसलिए अपने खाने का ध्यान रखिए, स्पेशली जो आप पढ़ने से पहले खाते हो, ठीक है ना। जैसे पढ़ाई कुछ अगर आपने बेकार खाया हुआ तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं। इसलिए एकदम ऐसा खाना होना चाहिए जिससे पीस जनरेट हो, हल्का फुल्का, कम स्पाइसी और अच्छे टाइप का। ठीक, चाहे आपने हॉस्टल वाले से लड़ो मरो, कैसे भी अरेंजमेंट करो, पर खाना बहुत मैटर करता है। अच्छा खाओ जिससे शांति रहे, पीस मेंटेन रहे, ठीक है। ओके, अपना शेड्यूल और टाइम टेबल थोड़ा अच्छा बना के रखो, जो भी बनाओ उसको फॉलो करो, थोड़ा स्टडी मटेरियल भी अच्छा रखो। एक्चुअली इन चीजों पे मेरे कलीग्स लोग काफी कुछ बोल चुके हैं, तो अब मैं क्या बोलूं। ओके, लास्ट पॉइंट ये है कि नॉलेज इज ऑफ नो यूज इफ नॉट शेयर्ड। इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो नॉलेज है वो किसी काम की नहीं है अगर आप उसको शेयर नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर करने से आपके कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे या इंटरेस्ट आएगा, कुछ आएगा। एक्चुअली अगर आप डिस्कशन करते हो तो डिस्कशन करने से आपके ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। जब मैं कभी प्रिपरेशन किया करता था, मेरे टाइम में क्या स्क्रीनिंग हुआ करता था, तो स्क्रीनिंग के बाद फिर मेन हुआ करता था। तो मैंने नोटिस किया है जितने भी दो तीन जितने भी लोगों का सिलेक्शन होता था वो सब 2 या 3 के ग्रुप में रहते थे। जितने लोगों का भी सिलेक्शन हुआ था, जिनकी रैंक्स आई थी, वो सब 2-2, 3-3 के ग्रुप में रहते थे और पूरा टाइम पढ़ते रहते थे, आपस में डिस्कशन करते रहते थे, लड़ते रहते थे, क्वेश्चन पहले खुद ही सॉल्व कर लेते थे फिर जाके क्लास में पहुंचते थे। इसलिए नॉलेज की शेयरिंग भी बहुत जरूरी है। डिस्कशन करने से आपके खुद के ही कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कोटा में कुछ इंस्टीट्यूट के ओनर्स और वैसे ही लोग खुद ही फैला देते हैं कि किसी से नोट शेयर नहीं करने, किसी से कॉन्सेप्ट कुछ करते हैं ना ऐसे कि आप रिजर्व रहो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स लोगों के साथ जितना ज्यादा डिस्कस करोगे उतना ज्यादा टेंशन फ्री रहोगे और ज्यादा अच्छे से बिल्डअप कर पाओगे, ठीक है। तो डिस्कशन भी कर लिया करो थोड़ा बहुत, बस इतना काफी है। बहुत सारा टाइम ले लिया, बहुत देर हो गई तुम लोगों को, ठीक है ना। मैथ्स में भी खाना इंतजार कर रहा होगा आपका, थोड़ा बस थोड़ा बहुत और टाइम, बस फिर छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। चलो ओके।